सीरियल भाभी जी घर पर है के फैंस के लिए एक बुरी खबर आई है। एक बार फिर भाभी जी को जाना पड़ा है अस्पताल, और ऐसा क्यों हुआ है आइए जानते हैं इस ऑन लोकेशन रिपोर्ट में। अगर भाभी जी को कुछ हो गया है ना तो कसम से कह रही हूँ इस हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। बल्फ ऑफ इनर टू फ्यूज होगा भैया। डॉक्टर भाभी जी की तबीयत कैसी है? खतरे से बाहर तो है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आप लोगों ने क्यों आपस में दुश्मनी दुश्मनी को चाट मचा रखी है? दो पल की जिंदगी है, उसे हंस खेल कर बिताइए ना। अबे डॉक्टर ध्यान मत दे, ये बता कि भाभी जी की तबीयत कैसी है? आओ जी भैया, सच्चाई तो ये है कि भाभी जी अभी भी खतरे के बाहर नहीं है, अंदरूनी चोटें आई हैं उनके दिमाग में। हां ये रहे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब थोड़ा राइट में राइट सर इन सब थोड़ा राइट में ठीक है। अभी खतरे के बाहर नहीं है, अंदरूनी चोटें आई हैं उनके दिमाग में। मुझे तो डर है कहीं वो कोमा में ना चली जाए। डॉक्टर की माने तो भाभी जी की हालत बेहद गंभीर है, लेकिन भाभी जी की इस गंभीर हालत के पीछे किसका हाथ है ये जानने के लिए जरा सुनिए मनमोहन तिवारी जी को। देखिए कहानी जो है ये एक तरह से दो जो खानदान है उनके बैकग्राउंड को लेकर है, जिनके खानदान जो है पहले राजसी हुआ करते थे, तो अचानक जो है ये दोनों जो है एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, खून के प्यासे हो जाते हैं, विभूति नारायण मिश्रा और मनमोहन तिवारी। तो एक तरफ मिश्रा खानदान है, एक तरफ तिवारी खानदान है। ये जो है बिल्कुल उसी तरह की कहानी है जो राजकुमार और अपना दिलीप साहब के बीच में घटित हुई थी। उसी तरह का एक ह्यूमरस आस्पेक्ट है जो हम लोगों ने इसमें क्रिएट करने की कोशिश की है। तो इसमें जो है मंदिर में जो है नारियल फोड़ने को लेकर कुछ बात होती है कि कौन सा खानदान फोड़ेगा, तो अंगूरी जो है वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि कोई भी खानदान जो है इसके लिए राज़ी नहीं होता, तो अपने सिर पर फोड़ लेती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। तो किस तरह से दोनों का जो है फिर दिमागी परिवर्तन होता है और दोनों फिर से दोस्त हो जाते हैं। तो ये एक तरह का फ़न एलिमेंट है, ये एक तरह की हैमिंग के किस्म की एक्टिंग है इसमें, बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये एपिसोड है जिसमें दो खानदान हैं, एक तिवारी खानदान और दूसरी तरफ मिश्रा खानदान, जिनके बुज़ुर्गों ने जो है वो उस समय जब वो बचपन में थे तो एक पूरा राजसी ठाट बाट से जीवन जिया था। तो अचानक इन लोगों दोनों के मन में भी जो है वो वही एरा जीने का की एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है। तो ये जो एपिसोड है वो इस तरह का है, जिसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि कब तक भाभी जी हो जाएंगी चुस्त दुरुस्त। ठीक हो सकती है क्या वो? तो अभी बाहर आ जाएगी एकदम से, ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक हो सकती है नहीं हो सकती है। ये एक ह्यूमर है कि उसने सिर पर बड़ा बेहोश हो गई और तो थोड़ी देर में फिर बाहर आ जाएगी। तो ये एक सिचुएशनल कॉमेडी है। ये भाभी जी अस्पताल में क्यों भर्ती है और उनकी ये हालत कैसे हुई ये सब तो आपने इस ऑन लोकेशन रिपोर्ट में जान ही लिया, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा इसके लिए आपको भाभी जी घर पर है का अगला एपिसोड तो देखना होगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com